लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरह की तैयारी हो रही है बीजेपी खेमे की, अगर बात करें तो आज तीन बड़ी संगठनात्मक बैठकें जो है वो दिल्ली में होने जा रही हैं। पहली बैठक जो है वो अब से एक घंटे बाद 11 बजे देश भर के, जिसमें सारे कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष होंगे। दूसरी बैठक की अगर बात करें तो वो 11 बजे होगी, लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी उसका हिस्सा होंगे। और तीसरी बैठक आज शाम 4 बजे है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारी के मद्देनजर। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, किस तरह की हलचल और तैयारी बीजेपी खेमे में चुनावों के मद्देनजर? देखिए, तीनों बैठकें बेहद महत्वपूर्ण है जया। पहली जो बैठक है जो कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्षों की है, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कोषाध्यक्षों के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी जरूरी खर्च जुटाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है ताकि वो तमाम उन संगठनों से, व्यक्तियों से चंदा जमा करके चुनाव का खर्च की जुगाड़ व्यवस्था कर सके। इसके अलावा दूसरी जो बैठक है लोकसभा चुनाव प्रभारियों सह प्रभारियों की, ये भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा इसमें सुनील बंसल की तरफ से, जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रभारी भी हैं, कि किन जिन सीटों को पिछली बार जीता था उस पर किस तरह की रणनीति अपना के उनको दोबारा जीतना है, और साथ ही साथ ऐसी सीटें जो पिछली बार हार गए थे वहां पर किस तरह से भिन्न रणनीति अपनाकर उसको दोबारा से बीजेपी के कब्जे में लेके आना है। तीसरी जो बैठक है वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बैठक में जो राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। आपको पता है कि बीजेपी ने 8वें अतिरिक्त उम्मीदवार की घोषणा यहाँ पर की है, और ऐसी सूरत में अगर वो 8वीं सीट जीतनी है तो उसके लिए खास रणनीति बनानी है, और उसी के मद्देनजर ये बैठक।